फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ नुब्रा वैली। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रिवर फ्लो कर रहा है एंड यस, यहाँ से एंट्री हो रही है मेरी नुब्रा वैली में। और फ्रेंड्स, मैं अभी जा रही हूँ डबल हम राइड के लिए, तो चलिए चलते हैं। आओ आगे होगा। सो फ्रेंड्स, आज मम्मी तो थोड़ा सा अनहेल्दी फील करिए, मम्मी को वॉमिट हो चुका है 2-3 बार, तो फिर भी मम्मी आई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्रिज बनाया हुआ है। मुझे दोनों ठिकाने फक्त दिस प्लेस इज नोन एज हुंडर सैंड ड्यून्स। सो फ्रेंड्स, हुंडर सैंड ड्यून्स इज फेमस फॉर डबल हम्प राइड। हम लोग भी डबल हम्प राइड के लिए नुब्रा वैली आए हैं स्पेशली ले से। एंड चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एंड यहाँ की जो ब्यूटी है फ्रेंड्स, वो कैमरे के थ्रू जस्टिफाई मैं नहीं कर सकती हूँ। इतना अमेजिंग व्यू है, इतना क्लियर स्काई है। एंड जहाँ तक भी फ्रेंड्स मैं देख पा रही हूँ, मैं आपको नहीं जस्टिफाई कर सकती हूँ। आप इतना मैं बोलना चाहूँगी, आप पर्सनली आए नुब्रा वैली विज़िट करें और यहाँ की ब्यूटी को आप एक्सप्लोर करें। इतना क्लीन इन्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं स्काई फ्रेंड्स, इतना क्लीन है कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं डबल हम्प राइड टिकट का क्या प्रोसेस है। चारों चलेंगे और हम्प को दबा देंगे। हम्प तो तेरे को उड़ा देगा। कितने की टिकट है भैया? 350 है सर, पर पर्सन। पर पर्सन जी सर। ठीक है, कि तो कहाँ तक घुमा के लेके आते हैं? सर, ये ड्यून के ऊपर रेड फ्लैग लगा है। हाँ। पॉइंट होगा, 10-15 मिनट्स का राइड होता है। फ्लैग तक जाके वापस आएगा। ठीक है, 350। मेरे को 4 टिकट्स आप दे दो। अच्छा ओके सर, प्लीज टिकट्स एक बार पढ़ लेना। अच्छा, क्या क्या है इस पे? एज इन सर जी, ये बोर्ड पढ़ा ना आपने? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि सर जी ऐसा होता है ना, क्योंकि सुबह भी बहुत ज्यादा पंगा हो गया था, इसीलिए मतलब जरूरी है सर टिकट पाना। क्या मतलब पे बैठते वक्त आपने फोन जेब में रखना है सर, पकड़ना है। ठीक है, ठीक है ना। फोन हाथ में लेके आप कैमल पे मत चढ़ना। ठीक, डिसबैलेंस हो जाता है ना सर, फिर गिर जाता है बेचारा। कैमल के ऊपर ब्लेम आ जाता है कि कैमल ने हमें गिरा दिया। अच्छा ठीक है, समझ गए सर जी। फिर यहाँ के इतना गली देता है सर, कुछ मत। ठीक, बहुत प्रॉब्लम होता है सर। जो बंदा इस तरह से देगा ना, जो बंदा आप ड्राइवर जैसे बिठाते हैं आप, ठीक है, उस हिसाब से आपने करना है सब कुछ। ठीक है ना, बाकी फिर आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ओके, थैंक यू भैया, वेलकम सर। सो गाइस, ये सेंट्रल एशिया कैमल सफारी हुंडर नुब्रा ले। ठीक है, इसकी टाइमिंग है 12 से 3 9 to 12 and 3 to 6। कॉमन काउंटर बना हुआ है गाइज, यहाँ पे आप सारे टिकट्स आप ले सकते हैं खुद यहीं पे आके। देन यहीं से आप परचेज कर सकते हैं आप सारे टिकट्स, कैमल की हो, चाहे आर्करी हो, चाहे पेंट बॉल हो, चाहे ATV राइड। You want me to speak? Yeah, no, I'm very good. In the first time, it was very afraid. Okay. And later, it was good. Okay, so where are you from? Israel. Okay, okay, okay. Where are you? I'm from Delhi, India. Nice to meet you. What's nice your good to name? Meet you. Osnat. Okay. Thank you. Thank you. सो फ्रेंड्स, इनको डबल हम्प इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ये 2 होते हैं, आप देख सकते हैं, A1 and 2। हेलो हम्पू, हेलो हम्पू। गुस्से में लग रहा है, बैठा शांत है। ओके ओके, योर पिक्चर। सो फ्रेंड्स, ही इज क्राइंग। वो बिठाएंगे हमने बस बना। उठते समय
सो फ्रेंड्स, अरे यार बता दो तो भाई, आगे आ लो भैया, फोन चला। मम्मी मम्मी बैठ चुकी हैं हम्प के ऊपर और रोहन बैठ चुका है, पापा ले रहे हैं अपनी पोजीशन। तो हम लोग बस निकल रहे हैं हम प्राइड के लिए चारों। रोहन senti, fa gli stessi versi che faccio io quando vomito. Idhar se banata hu. आप लोग क्या करके आए हैं पहले ही बताएं। कैमल सफारी, डबल हम कैमल सफारी। कैसी रही, कौन कौन डरा? पीला देख एक और बार ले नीचे गया भाई, बढ़िया मारा नीचे, छोड़ दे एक मिनट भैया, थोड़ा साइड जाओ। हाँ चल, बढ़िया भाजी। फ्रेंड्स एक अपडेट है, हम लोग गए थे हम सफारी पे एंड स्पेक्स था मेरा वो नहीं, मैंने तो नहीं छोड़ा है, मुझसे गिर गया है कहीं गलती से। अब देखिए कैसे मैनेज करती हूँ मैं इस ट्रिप में विदाउट मेरे स्पेक्स, नंबर का स्पेक्स था मेरा, स्पेक्स रोज खोता था, आज सही में ही खो गया। फ्रेंड्स लिटरली उस स्पेक्स को मैं पूरे घर में ढूंढती थी, मतलब कभी कहीं रख के कभी कहीं रख के, और आज फाइनली नुब्रा वैली हम सफारी में मेरा वो स्पेक्स खो गया है। सो फ्रेंड्स डबल हम राइड के बाद हम लोग आ गए हैं अपने रिजॉर्ट में, आप देख सकते हैं ये इसका कुछ लुक है बाहर से। एंड फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ का जो आसपास का ब्यूटी है वो कितना अच्छा है, और अभी सनसेट का टाइम हो रखा है, आप देख सकते हैं लास्ट में माउंटेन्स के ऊपर आपको कुछ ऑरेंज ऑरेंज लाइट नज़र आ रहा होगा।
तो बने रहे मेरे साथ इस सीरीज़ में, एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आपको अपनी आगे की जर्नी दिखाऊंगी, जो कि हम नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक के लिए करने वाले हैं. तो स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen but